दोस्तों, जिन लोगों को धन की कमी हो, जिन लोगों के घर में धन ना टिकता हो या फिर धन कमाने की इच्छा हो, केवल ही उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से हर किसी के घर में धन धान्य की बरकत होने लगती है, धन खूब आने लगता है, खूब पैसा कमाने लगते हैं। जितना भी आप प्रयत्न करते हैं उससे कई गुना होकर के आपको फल मिलने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। घर के दरवाजे पर डाल दें एक छोटी सी चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होने लगता है। जिन लोगों को धन की कमी रहती है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर जो लोग धन कमाने की इच्छा रखते हैं, वे सभी व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा तो अवश्य करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं करना चाहता है, या फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन कमाना नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो व्यक्ति अपने घर में धन डालने की बरकत नहीं करना चाहता है? धन हो या फिर धन की कमी हो, उसके बावजूद धन और बढ़ता रहे, ऐसा कौन व्यक्ति जो ये नहीं चाहेगा? तो दोस्तों, इसीलिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए और साथ ही साथ बताए गए कुछ गुप्त उपायों को भी कर लेना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कोई हानि ना हो और हमेशा धन की बरकत बनी रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आप बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, इससे दोस्तों हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, मनचाही नौकरी मिल जाए या मनचाहा पैसा मिल भी जाए तो भी उस पैसे को संभाल कर रखना, अनावश्यक रूप से खर्च ना हो जाए, इस बात को रखना, कायम रखना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत से लोगों की यही समस्या है कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जिस किसी व्यक्ति पर भी प्रसन्न होती है, उसके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है, उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। जो आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घर में सदैव वास करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही छोटा सा और आसान और असरदार उपाय बताने वाले हैं। उपाय को जानने से पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तिथि, शुभ मुहूर्त या वार की आवश्यकता नहीं है। सभी दिन, सभी वार, सभी मुहूर्त माता लक्ष्मी के ही है। इसीलिए दोस्तों, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी आप ये उपाय करना चाहते हैं, उस दिन आप जल्दी उठ जाएं, प्रातः काल नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, हो सके तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी छोटा सा वस्त्र अपने कंधे पर या फिर अपने सिर पर लाल रंग का हो, उसे रख लें। अगर पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं तो लाल रंग का रुमाल या फिर लाल रंग का छोटा सा कोई कपड़ा अपने जेब में रख लें। दोस्तों, अब आप एक लोटा लें, लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगाजल डाल करके बाकी के साफ पानी से उसे आप भर लें। अगर संभव हो तो सारा ही गंगाजल डाल लें। उसके बाद दोस्तों, अपने घर में जहाँ कहीं भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा मंदिर में जाएं और सभी तस्वीरों को और मूर्तियों को स्वच्छ कपड़े से साफ सुथरा करके पोंछ लें और मंदिर को साफ स्वच्छ कर लें। उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। पानी मिला लेने के बाद आप भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को तिलक करें और थोड़ा सा हल्दी का तिलक उस पानी में लगा दें और लोटे पर भी थोड़ा सा तिलक लगा दें। उसके बाद अपने मस्तक पर भी तिलक करें। उसके बाद आपको दोस्तों दो प्लेट लेनी है, एक भगवान विष्णु के लिए और एक माता लक्ष्मी के लिए। एक प्लेट में आपको मिष्ठान और एक प्लेट में आपको फल रखने हैं। अगर दोस्तों आप मिष्ठान और फल नहीं रख सकते हैं, तो आप एक में मिश्री और एक में गुड़ रखें। अब गुड़ वाला जो है प्लेट, उसे भगवान विष्णु को लगाएं और जो मिश्री है वह माता लक्ष्मी को लगाएं। इस प्रकार से भोग लगा लेने के बाद आप अपनी सभी समस्याएं माता लक्ष्मी जी से और भगवान विष्णु से कह दें। उसके बाद अपनी मनोकामनाएं भी कह दें। उसके बाद दोस्तों खड़े होकर के माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। इतना काम हो जाने के बाद आप पुनः बैठ जाएं। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के सबसे प्रभावशाली मंत्र ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप हो जाने के बाद आप 21 बार विष्णु भगवान के लिए समर्पित महामंत्र का जाप भी करें। मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र एक बार फिर सुन ले दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और माता लक्ष्मी के लिए जो मंत्र है वह है ओम श्री श्रीये नमः। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे से मंत्र हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है दोस्तों। दोस्तों आपने 108 और 21 बार की जप संख्या में जप कर ले, उसके बाद दोस्तों आपको वह लोटा जिसमें आपने जल, गंगा जल और साथ ही साथ हल्दी मिलाई है, उसे लेकर जाएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे द्वार पर जाएं और वहां जाकर के इसका छिड़काव कर दें। दोस्तों यह जो जल है जिसे आपने अपने घर के दरवाजे पर छिड़का है, यह जल बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है। आपको इसे पूरी तरह से अपने दरवाजे पर खाली नहीं करना है, थोड़ा सा बचा लें और इसे फिर अपने घर के अंदर भी छिड़काव करें। इसे अपने घर में छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं घर के बाहर निकल जाती है। कोई नजर दोष या गृह कलेश संबंधी समस्या होती है तो वह भी क्षण भर में दूर हो जाती है। और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती जहाँ पर कलह हो, कलेश हो, जहाँ पर घृणा हो। दोस्तों जहाँ पर की कलेश और नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती है वहाँ माता लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। इसीलिए दोस्तों ऐसे घर में जिसे छिड़काव कर देते हैं वहाँ पर कभी भी कलेश, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती है और माता लक्ष्मी उस घर में वास करने लगती है और आपके घर को हमेशा धन दौलत से भर कर रखती है। दोस्तों घर में छिड़काव कर देने के बाद थोड़ा थोड़ा जल घर के सभी सदस्यों के ऊपर डालें और अंत में अपने ऊपर भी इसका थोड़ा सा छिड़काव कर लें। दोस्तों ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होने लगता है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, जहाँ माता लक्ष्मी वहाँ धन ही धन। जी हाँ, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होते ही आपके घर में तुरंत ही धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं, आपको बहुत ही जल्दी खुशखबरियाँ सुनने को मिलती है। दोस्तों आपको इसका विशेष ध्यान यह रखना है कि जो भी घर में गंदे स्थान होते हैं, जैसे कूड़ा रखने का स्थान, शौचालय आदि, इस प्रकार के स्थानों पर आपको इस पवित्र जल का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।